हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं घने जंगल के बीच में बैठा हुआ हूँ और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डीकैथलॉन के, उनका पार्टनर डिवीज़न है, हंटिंग डिवीज़न है फ्रांस में, सोलोगनैक, उसके प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। उसमें एक हैमॉक है, एक मॉस्किटो नेट है। तो दोस्तों, ये हैमॉक है। इस हैमॉक की खासियत क्या है कि इसमें 110 kg का वेट वाला आदमी सो सकता है, और इसके नीचे सामान रखने वाला एक हैमॉक, छोटा हैमॉक और होता है जिसमें 20 kg तक आप सामान रख सकते हो। तो एक तो ये आराम करने के लिए कैंपिंग में हैमॉक भी हो गया कि जब आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आपने दो पेड़ों के बीच में, अभी कैमरे के फोकस में नहीं आ रहा है, अभी ये दो पेड़ हैं, मैं लगाऊंगा इसको, तो कैंपिंग करते वक्त आप आराम कर सकते हैं, दो हैमॉक लगा सकते हैं। अगर आप कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, एज ए नाइट शेल्टर भी आप इस हैमॉक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक मॉस्किटो नेट भी है, मैं वो भी लगा के दिखाऊंगा आपको। और इस हैमॉक के अंदर मैट्रेस भी फिट हो जाता है, हालांकि वो मैट्रेस अभी ले मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसमें मैट्रेस फिट करें तो प्रॉपर बेड बन जाता है पेड़ के ऊपर, और उसके नीचे ही 20 kg सामान रखने की जगह आपके पास बनी हुई है, तो आप अपना सारा बैग वगैरह रख सकते हैं उसमें। 110 kg तक अगर आपका वेट है तो आप इस हैमॉक को यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका वेट है तो पहले वज़न घटाइए, फिर कैंपिंग करने आइए। तो ये दोस्तों हैमॉक है, ये उसमें नीचे वाला जो मैंने बताया था 20 kg का सामान जिसमें आता है, इसके साथ में ही ये रोप्स आती हैं बांधने के लिए। इसमें कैराबिनर्स हैं साथ में, और ये टाइट करने के लिए छोटी रोप भी है। इसमें छोटी छोटी पॉकेट्स भी बनाई हुई हैं कि जब आप हैमॉक लगाओगे, इसमें आपको अपना वॉलेट रखना है, छोटे छोटे सामान रखना है, वो भी बने हुए हैं। काफी अच्छा कपड़ा है, मजबूत है। ये दोनों एंड है उसके, दोनों में ये रोप टाइट हो जाएंगी और इसको दो पेड़ों के बीच में बांध सकते हैं। ये हैमॉक हो गया। इसके साथ में नीचे लगाने के लिए इसमें भी ऐसे ही बांधने का है, साथ में छोटी रोप्स है। ये आपका लगेज रखने के लिए हो गया। कैसे इसका सेटअप होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेटअप लगाया है हैमॉक का, ये मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ऊपर का हैमॉक है, नीचे सामान रखने का है, बैग रखा है मैंने, और ये इस तरह से हैमॉक इस पेड़ में बांधा हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर बहुत सारे बैग्स बने हैं। आप इसमें एक तो मैंने जैसे बताया, इसमें मैट्रेस आ सकता है, मैट्रेस ये आप अपना सामान रख लें, ऐसे इसमें कुछ ज़रूरत का सामान, ये बैग बना हुआ है जो आपको ओढ़ना है सामान रखने के लिए, कंबल वगैरह जो रखना है, स्लीपिंग बैग रखना है। इसमें आप एयर वाला मैट्रेस सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है
काफ़ी चौड़ी जगह है, और अगर वो नहीं चाहते तो भी आप आराम कर सकते हैं। और काफ़ी मजबूत रस्सी है बैनर के थ्रू अटैच की गई है, और नीचे वाला बैग पतली रस्सी से उसी कैरा बैनर में अटैच कर दिया है। ये बहुत ही मजबूत रोप है। नीचे आप देख रहे हैं 50 लीटर का बैग है, हालांकि पूरा भरा हुआ नहीं है, और इसकी नीचे वाले इसकी कैपेसिटी 20 kg की है। अब मैं इसमें आपको लेट के दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये हैमॉक सेट कर दिया, नीचे मेरा बैग टंगा हुआ है, अच्छी खासी इसकी हाइट है, मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, उसके बाद भी मेरे पैरों के आगे तक जगह है। मेरे ख्याल से 6 फुट 4 इंच का आदमी आराम से लेट सकता है, बस वेट 110 kg होना चाहिए। ये इसके साथ में एक मॉस्किटो नेट भी है, अभी मैं उसका भी रिव्यू दिखाऊंगा, और बहुत ही आरामदायक है। हालांकि मैंने इसमें मैट्रेस फिट नहीं किया, लेकिन इसमें अगर रात को सोया जाए तो सो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हाइट पे लगा के, और आपका बैग नीचे ही टंगा होगा। बहुत ही कंफर्टेबल हैमोक है। तो डीकैथलॉन का जो मैंने बताया सोलोगनैग, इस प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या प्राइस होगी ये तो आपको डीकैथलॉन की वेबसाइट से मालूम चलेगा, और या डीकैथलॉन के स्टोर से। लेकिन वैसे क्योंकि मैं बुशक्राफ्ट कैंपिंग करता रहता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आई, और एडवांटेज ये है कि जैसे हम केवल कैंप लगाते थे तो हम कैंप भी लगा सकते हैं, कैंप के पास में हैमॉक लगा दें तो जब हमने कैंपिंग करनी है बाकी दिन भर जो हमारे पास खाली टाइम है हम उसमें सो सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा हाइट पर बांधें तो कैंप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मेरे पास टार्प भी है, इसके ऊपर अगर टार्प लग जाएगा तो बारिश से बचाव हो जाएगा। मॉस्किटो नेट भी है जो कि जिप से पूरी तरह से कवर हो जाती है, मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। तो अगर हमने ज़्यादा हाइट पर लगा दिया तो जंगली जानवरों से भी बचाव है, आराम बहुत है, पीठ में कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी तरह की, इसका कपड़ा भी बड़ा आरामदायक है। अगर मैट्रेस डाल देंगे वो एयर एयर वाला मैट्रेस डालेंगे तो और आपको बिल्कुल फ्लैट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आप कितना चौड़ा है, इस तरह से अगर हम करते हैं तो बहुत चौड़ा है। और उसके बाद में लेकिन अगर आप कैंप के साथ भी इसको कैरी करते हैं तो एक साइड में आप कैंप लगा दीजिए, एक साइड में हैमॉक लगा दीजिए, इसके साथ में नीचे वो अटैचमेंट है जो 20 kg लगेज कैरी करने का है। अगर आप कैंप के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे फिर भी अगर आपने ज़्यादा हाइट पर लगाया है तो बार बार आपको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना लंच, आप पानी, इस तरह लैपटॉप, इस तरह के सारे सामान कैरी कर सकते हैं नीचे वाले 20 किलो के सामान में, आराम से आप सोइए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो मैं तो इसको आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको डीकैथलॉन के स्टोर से पता करना चाहिए इसकी प्राइस और इसको लेना चाहिए। इसके साथ में क्योंकि जब आप इसमें सोते हैं जंगल में तो जंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो अभी मेरे आसपास ही भिनभिना रहे हैं, मच्छर। तो मच्छर से बचने के लिए ये जिप वाली मॉस्किटो नेट है, सोलोगनैग ब्रांड की ही है। तो ये देखते हैं कैसी है, एक तो ये इसका कवर है, ये जो मॉस्किटो नेट है मल्टीपर्पज़ है, आप चाहें तो जिप से हैमॉक में लगा लें और चाहें तो ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, अगर आप ज़मीन पे गद्दा लगा के सो रहे हैं एडवेंचर कैंपिंग में तो भी काम में आ जाएगी। तो अब मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने सेटअप लगा दिया मॉस्किटो नेट का, इसमें एक रोप आती है साथ में, आप जहाँ पे भी ये हैमॉक बांध रहे हैं ऊपर से ऊंची डाली पे इसको बांध दीजिए। इसमें दो जिप होती हैं, एक इधर से एक नीचे से भी होती है, नीचे वाली अभी मैंने बंद की हुई है, और ये तीन इसके पॉइंट्स हैं जिससे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। ये जो ये थ्रेड है, रोप है, ये हैमॉक की है, और ये जो जा रही है ये मॉस्किटो नेट की है। इसमें ऐसा एक ओपनिंग दी होती है, इस ओपनिंग के अंदर से हैमॉक भी निकल जाता है, और इसके नीचे जो हमारा बैग है 20 kg जो हमारा लगेज है वो मतलब लगेज भी मॉस्किटो नेट के अंदर ही आ जाता है, और ये कैरा बैनर के थ्रू बंधा रहता है। और इसके अंदर देखेंगे अगर मॉस्किटो नेट के तो ये देखिए, ये हैमॉक है, हैमॉक के नीचे ये हमारा लगेज कैरियर बैग है, और उसके नीचे भी मॉस्किटो नेट, ये जिप अभी हमने बंद नहीं की है, जिप बंद कर लेंगे तो जिप के अंदर ही सारा है, और चारों तरफ से आप मॉस्किटो से पूरा सुरक्षित हैं। इधर पे भी जिप है, दो टू साइड जिप है, आप किसी भी साइड से उतर सकते हैं, और ये मॉस्किटो नेट आप हैमॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड पर भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है। ये दोस्तों ऐसा है, लगा के मच्छर बिल्कुल नहीं काट रहे, इस तरह से ये निकला रहता है, यहाँ से ऊपर लगा हुआ है रस्सी से, पीछे सामने जो है
बंद है, कहीं से मच्छर आ नहीं सकते। नीचे बैग भी हमारा, ये लगेज बैग है, अभी मैंने खाली कर दिया, मॉस्किटो नेट के अंदर ही है। और ये व्यू है मॉस्किटो नेट के अंदर से, तो अच्छा कंफर्टेबल है। आप चाहें तो इसमें स्टे भी कर सकते हैं, या आप कैंपिंग कर रहे हैं तो साथ में इसको लगा लीजिए। बहुत ही छोटी पैकिंग है। अगर इसकी हैमॉक की बात करें, मॉस्किटो नेट की बात करें, टार्प, ये बहुत छोटे से पैकिंग में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये मॉस्किटो नेट बड़ी काम की है। जैसे मैंने आपको बताया, सोलोगनैक है, डीकैथलॉन का इंडिया में ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको डीकैथलॉन के स्टोर से मिल जाएगी या डीकैथलॉन के ऐप से मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।